इसमें गलती दोस्तों दो लोगों की है, एक तो राजमिस्त्री की कि उन्होंने चौखट यहाँ पर गलत लगाया, उल्टा लगाया, और दूसरी गलती उनकी जो यहाँ पर लोहे का काम करने आए थे उसका मेजर लेने आए थे, यानी माफ़ी करने आए थे। नमस्कार दोस्तों, सिविल वर्क सुरेंद्र कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये आपको एक छोटी सी जानकारी देना है कि अगर आप विंडो लगा रहे हैं यानी खिड़की, तो उसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है विंडो का चौखट लगाते समय, और ग्रिल दोनों चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। छोटा सा वीडियो है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक किया गया है कि ये जो है ग्रिल लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ग्रिल लगा दिया गया है, और जब ग्रिल लगा दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चौखट लगाया हुआ है ये उल्टा लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो खांचा है अंदर में काटा हुआ है, तो इससे क्या है दोस्तों, जब इसमें पल्ला लगेगा तो बाहर की ओर खुलना चाहिए। तो जब बाहर की ओर खुलना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिल लगा हुआ है, तो इसके कारण दोस्तों अब ये बाहर की ओर नहीं खुल सकता है। ये दोस्तों चौखट ही उल्टा लगाया गया है, तो चौखट अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसा गलती आप ना करें, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं ग्रिल के बारे में। तो ग्रिल अगर आप लगा रहे हैं या ग्रिल का साइज़ आप जो है दे रहे हैं बनवाने के लिए या बनाने के लिए आप जो है मेजर करने जा रहे हैं, तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से उसका मेजर लेना चाहिए, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तो ये चौखट जो है ये उल्टा लगा हुआ है, सीधा लगता। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कंक्रीटिंग से जाम किया गया है, मसाला से, यहाँ पर देख सकते हैं तोड़कर। तो दोस्तों ये तोड़कर नहीं जाम होना चाहिए, इसको जो है ये जब उल्टा लगता चौखट, तो चौखट जब उल्टा लगता दोस्तों, तो इसमें जो है इसी में इसके मेजर से आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक अंदर अंदर चौखट के मेजर किया जाता, माफ़ी करके जो है अंदर अंदर के साइज से जो है इसको बनाया जाता, और बनाने के बाद दोस्तों इस पर रख कर और जो है इस पर कील जो है जगह जगह पर ठोंक दिया जाता, स्क्रू उसको जो है ठोंक दिया जाता और ये चौखट के साथ फिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल अलग से लगाया हुआ है और चौखट जो है अलग से लगाया हुआ है, चौखट उल्टा लगाया हुआ है, चौखट पहले ही लगा दिया गया था और ग्रिल को जो है बाद में लगाया गया है। इसमें गलती दोस्तों दो लोगों की है, एक तो राजमिस्त्री की कि उन्होंने चौखट यहाँ पर गलत लगाया, उल्टा लगाया, और दूसरी गलती उनकी जो यहाँ पर लोहे का काम करने आए थे उसका मेजर लेने आए थे, यानी माफ़ी करने आए थे, माफ़ी जो उठाने आए थे लोहार मिस्त्री जो गेट ग्रिल बनाते हैं उनका, उनको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर अंदर दोस्तों मेजर हमको करना है। इसके अंदर अंदर का मेजर होता और इस पर जो है इस पर चारों तरफ से फिट हो जाता और जो है यहाँ पर स्क्रू ठोंक दिए जाते, ये दोस्तों चौखट के साथ में कनेक्ट हो जाता। यहाँ पर दोस्तों ये अकेला खिड़की नहीं है, यहाँ पर और भी खिड़की हैं जो कि सभी में ऐसा किया गया है, और ऐसा दोस्तों जानकारी के अभाव में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसमें दोस्तों अब क्या है कि पल्ला लगवाने के लिए जो ग्रुप अंदर से कटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी खिड़की के पास आ गए हैं, ये जो ग्रुप अंदर से कटा हुआ है अब इसको जो है ये बाहर से काटना पड़ेगा, और बाहर से काटना पड़ेगा तो ये डिज़ाइन भी जो है वो ख़त्म होगा, ये डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिज़ाइन जो था वो बाहर के लिए था, इसको उल्टा लगाना, मतलब इसको सीधा लगाना चाहिए था, तो ये उल्टा लगा दिया गया है। सो दोस्तों यही था इस वीडियो में आज के लिए। जैसा कि और भी वीडियो आप जो है विंडो देख पा रहे हैं, ये सभी विंडो में ऐसा ही किया गया है। तो दोस्तों यही था कुछ आज का वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि विंडो आप लगाते समय ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।